हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट क्लास। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहां पर देखेंगे रेलवे की ग्रुप डी की एग्जाम के लिए साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए ये रेलवे की एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुके क्वेश्चंस है, तो इनको आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अगर आपके आने वाले समय में रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम है तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जहां पर मैंने टोटल 25 क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसे दबा दीजिए, और पास में एक बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, मैं जो भी रेलवे की एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए, आप हमें अनअकैडमी पर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप हमें सचिन सिलावट नाम से सर्च करके भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर मैंने टॉपिक वाइज वीडियो कवर किए और व्यापम की एग्जाम के लिए लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कशन किया, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर भी आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि किसकी कमी से रतौंधी होता है, मतलब आपसे पूछा गया है कि किसकी कमी से रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, तो चेचक के टीके का आविष्कार किया है एडवर्ड जेनर ने किया है, किसने किया है, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, आपसे पूछा गया है कि जो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा आंखों से संबंधित है, किससे संबंधित है, आंखों से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो ये किससे होती है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संतुलित होती है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा प्रकाश संश्लेषण द्वारा संतुलित होती है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो होता है अस्थि मज्जा में होता है, काय में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो यह है टाइलिन हो जाएगा, तो आपका सही आंसर क्या होगा, टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो आत्महत्या की जो थैली कहा जाता है वो कहा जाता है लाइसोसोम को, किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि जीन के संश्लेषण, यहाँ पर जीना नहीं है ना, जीन है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है, तो ये हो जाएंगे हरगोविंद खुराना हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मधुमेह रोग होता है, यहाँ पर पूछा गया है कि मधुमेह रोग होता है, तो मधुमेह रोग जो है वो इंसुलिन की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंजाइम की रचना होती है, एंजाइम की रचना होती है, तो एंजाइम की जो रचना होती है वो होती है अमीनो अम्ल से होती है, किससे होती है, अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनुवांशिकी के नियम का जन्मदाता कौन है, ये क्वेश्चन आपके भी रेलवे की ग्रुप डी की एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि अनुवांशिकी के नियम का जन्मदाता कौन है, तो ये है गेगरी मेंडल है, कौन हो जाएंगे, गेगरी मेंडल हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष जो है वो किसका मात्रक है, तो ये हो जाएगा दूरी का मात्रक हो जाएगा, किसका मात्रक हो जाएगा, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है, या लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो ये हो जाएगा आपका डाईऑप्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाईऑप्टर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, तो ये बना होता है टंगस्टन का, तो आपका सही आंसर क्या होगा कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, यहां पर पूछा गया है कि परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो आधारित है, तो ये आधारित है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, किस पर आधारित है, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है, तो बिजली के बल्ब में जो है वो अक्रिय गैस का प्रयोग होता है, कौन सी गैस का प्रयोग होता है, अक्रिय गैस का, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिजली के बल्ब में प्रयोग होता है तो किसका प्रयोग होता है, अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा मापी जाती है, कौन सी धारा, विद्युत धारा मापी जाती है, तो ये मापी जाती है अमीटर से, किससे मापी जाती है, अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है, तो लोहे को जो जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, किसकी, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है, क्या बोला यहाँ पर कि प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है, तो यह होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, किसका, आइसोप्रीन का, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा कि आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्वेश्चन में बोला है कि फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है एसिटिलिन नामक गैस का प्रयोग किया जाता है, किसका, एसिटिलिन गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किससे संबंधित है, यहाँ पर बताना है कि मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन जो किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा फ्रेनोलॉजी से संबंधित हो जाएगा, किससे हो जाएगा, फ्रेनोलॉजी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है कि डीएनए की खोज किसने की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए की खोज किसने की है, तो डीएनए की खोज की है वॉटसन तथा क्रिक ने की है, किसने की है, वॉटसन एवं क्रिक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो सबसे हल्की जो धातु होती है वो होती है लिथियम होती है, कौन सी होती है, लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे भारी धातु कौन सी है, तो यहाँ पर मैंने आपको हल्की बता दी लिथियम, तो सबसे भारी धातु जो होती है वो होती है ऑस्मियम होती है, तो ये दोनों ही आप याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा था कि सबसे हल्की धातु कौन सी है तो वो हो जाएगी लिथियम, और सबसे भारी धातु कौन सी है तो वो कौन सी हो जाएगी, ऑस्मियम हो जाएगी। तो दोस्तों ये जो जितने भी मैंने 25 क्वेश्चन साइंस के डिस्कशन किया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आने वाली रेलवे की ग्रुप डी में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो दोस्तों आई थिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ और पास में एक बेल आइकन भी दिया हुआ है उसे प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसके सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों आप हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो करिए, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, तो वहां से जाकर भी आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, सारे लेसन को देख सकते हो। थैंक यू।